और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जगह बहुत बहुत सुंदर है, और यहाँ नीचे भी घर काफ़ी है, घर ऊपर तक है। आप सभी को नमस्कार, मेरा दोबारा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को यहाँ केलुंग में, जो केलुंग बस्ती है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, और आप सभी को मेरा जो केलुंग विलेज है, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं वो केलुंग विलेज है, उसके अंदर में हम लोग जो फेस्टिवल मनाता है, कुछ बलिदान देता है, वो हम लोग किस लिए देते हैं और हम लोग को गॉड ने क्या बेनिफिट देता है, आप लोग को वो चीज़ हम आज का डेट में बताने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ में मेरा पास चार चीज़ आज आप लोग को दिखाएगा, एक जो जुम्मे है, एक है जुनू है, एक फू है, एक लाजो वतू है, वो चीज़ चार चीज़ आज दिखाएगा। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो पत्थर है, ये हम लोग जो केलों का आदम है, इसको ये पत्थर हम लोग जो प्रे करते हैं तो उसका हम लोग अनेजुमे बोलते हैं, इसका नाम है अनेजुमे। और यहाँ पर हम लोग इसको पूजा इसलिए करते हैं कि हम लोग जैसे कि ये बस्ती में लक्ष्मी कुछ कुछ जो हम लोग दान किसी कुछ भी करते हैं तो वो जो सही ढंग से हम लोग को बेनिफिट होने के लिए, लॉस नहीं होने के लिए, तो हम लोग को हर बस्ती को कोई गरीब नहीं होने के लिए, एक दो रुपया सबका हाथ में होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये इसको हम लोग पूजा करते हैं। ये जो इसका 12 पत्थर है उसको हम लोग अनेक जुम्मे बोलते हैं। ये है, ये जो हम लोग जो हर साल हम लोग यहाँ में पूजा करते हैं, तो ये पहले 11 साल का पूजा था, तो यहाँ में आग जला के पूजा बैठ के पूजा करते हैं, मतलब पूजा एक दो आके। अभी हम फिर दोबारा जा रहे हैं, तो हम वहाँ आप लोग को जुनून जुनून दिखाने के लिए जा रहे हैं सेकंड टाइम। यहाँ आज दिन भर चल के पूरा काफ़ी थक चुका है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहा है। ये जो जुनून है आगे आप लोग को बताया है, और इसका जो एक्चुअली इसका पावरफुल है वो हम लोग केलुंग बस्ती को प्रोटेक्शन देता है, हर बच्चा से करके बुजुर्ग तो साथ देता है कि हम लोग कोई किसी का जगह में कहीं जाएगा और कोई किसी का साथ झगड़ाबाजी कुछ होने से तो हम लोग को दाव सौ कुछ चोट चोट नहीं लगने के लिए, और हम लोग के पास हमेशा मजबूत जो शक्ति ताकत होने के लिए, कोई किसी का साथ बातचीत तकरार से कर सकने के लिए, कोई किसी का साथ वार तकरार से कर सकने के लिए, तो इसने शक्ति देता है, इसलिए हम लोग हर साल इसमें हम लोग बलिदान देता है, इसलिए हम लोग इसको क्यों जुनून बोलता है, वो हर साल होता है। आज काफ़ी बारिश गिर रहा है इसलिए बहुत तकलीफ है, और आगे आप लोग को दिखाएगा। इसका नाम है पू है, अब यहाँ अच्छा से दिखा दे दीजिए, और ये पू का नाम है जो ये केलों का पर है। आगे आपको आप सभी को बताया कि हमें चार चीज़ आपको हम बताने के लिए आया है, इसलिए ये यहाँ में बुजुर्ग से करके यहाँ बच्चा भी बहुत ज़्यादा है केलों में, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ये पू को दुआ करता है कि बीमार नहीं होना है ये बस्ती में। और बहुत लोग है कि आजकल पढ़ने वाला लोग बाहर में भी है केलुंग, और काफ़ी दूर दूर में काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से वापस आने में कोई बीमार ऐसे हो कि नहीं आने है, और बीमार जो नहीं लगना है वो सभी को, इसलिए जो बस्ती का अंदर में रहने वाला लोग बाहर के लिए पूजा करते हैं, गॉड मानता है, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। ये भी हम लोग का गॉड मानता है, उसको ये गॉड का नाम है हम लोग पूंग बोलते हैं। पूंग मीनिंग है कि हर पहाड़, जितना जो पहाड़ इलाका है जो उसको हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोग ये लास्ट चार नंबर में है, आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये चंदा है, ये पत्थर पूरा साफ करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं स्टेप स्टेप से, तो ये जो बीच चंदा दिखाई दे रहा है ये जो वहाँ से पानी आता है, और हम लोग इसको लाजो वतू बोलते हैं। हम लोग जो म्यूजिक से, हम लोग केलों से, जो केलों का बस्ती जितना भी है, पहले बुजुर्गों ने पहले पहले के आदमी जो बनाया है, और वो लोग उसको लाजो वतू बोलते हैं। और यहाँ से ये जगह एरिया से पानी आता है, पानी आके पहले पहले से बुजुर्गों को और अभी तक हम लोग को इससे हम लोग पानी पीते हैं, ये यहाँ से पानी आता है हम लोग को, ये केलों में हम लोग को यहाँ से पानी सोर्स देते हैं, और हम लोग इसको हमेशा एक झंडा हर साल में झंडा एक वाइट झंडा लगा के हम लोग इसको भी पूजा करते हैं हमेशा। ये देख सकते हैं ये काफ़ी पहले से
पहले बुजुर्गों ने, पहले पहले का आदमियों ने, तो जिलों ने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लगा के दिया है। तो उनका निशान है, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है वो नेचुरल है, और इसका निशान है, इसका नाम है लाजोपुत बोलता है, जो आगे आप लोग को ये लाजोपुत बोलता है। और ये इसका जो एक पत्थर इसे रखा है, ताकि इसका जो हिस्ट्री तो मालूम नहीं है, फिर भी आप हम शोर में बता दिया है कि हमारे किलों में ऐसे ऐसे चीज़ है। ये जो अभी आप लोग हम जो वहाँ में लाजोपुत में दिखाया था, तो उसका पानी जो अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ चल रहा है, हम लोग दिखाया ये पत्थर पानी यहाँ से काफ़ी सफा है। तो अभी फिलहाल बारिश का गिर रहा है, इसमें थोड़ा मोरा गंदा आ रहा है, ये पानी का वजह से, ये पानी से यहाँ से नीचे पूरा घर बस्ती बस्ती नीचे हर घर है। तो ये पानी का थ्रू से हम लोग हर बस्ती बच्चा से करके बुजुर्ग तक अभी तक, और यहाँ में जो एनिमल जो पालता है वो लोग यही पानी को देख के हम लोग यहाँ जी रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर जो बस्ती रहने वाला लोग अभी लकड़ी इसी तरह से बुनते हैं। ये देख सकता है हर साल यहाँ पूजा होने टाइम में यहाँ में पब्लिक लोग आके यहाँ में खाना पीना यहाँ में बनाता है। आप सभी को नमस्कार, और आज मैं आप सभी को केलों का अंदर में जो जितना चीज़ जो और बहुत काफ़ी है और आप लोग को दिखाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर दिखाएगा। आज जो वीडियो है जो थोड़ा मोरा हिस्ट्री एक दो मालूम था, तो वो चीज़ का आप लोग हम दिखा दिया है, और क्या चीज़ यहाँ में होता है, क्या चीज़ नाम होता है, आप सभी को दिखा दिया। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए।